भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में इन दिनों लगातार इको गाड़ी के साइलेंसर चोरी होने से भिवाड़ी पुलिस के लिए चोरों को पकड़ना चुनौती बना हुआ है। बीती रात को हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 में खड़ी इको गाड़ी का साइलेंसर चोरी हो गया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दो दिन पूर्व भी भिवाड़ी के पत्रकार कुलदीप मावर की गाड़ी का साइलेंसर चोरी हुआ था। अज्ञात चोर सिर्फ इको गाड़ी को ही निशाना बना रहे हैं। रात के अंधेरे में पूरी वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पिछले एक माह में भिवाड़ी में कई गाड़ियों के साइलेंसर चोरी होने से शहर में इको गाड़ी मालिकों में भय बना हुआ है। भिवाड़ी के एक किराना व्यापारी नितिन शर्मा ने बताया कि उसने अपनी इको गाड़ी को घर के बाहर पार्क किया था। सुबह गाड़ी का साइलेंसर चोरी मिला। सीसीटीवी कैमरे में दो युवक एक पार्क की दीवार को कूदकर आते हैं और महज 4 ही मिनट में साइलेंसर को खोलकर सहज ही निकल जाते हैं। गश्त व्यवस्था को लेकर पुलिस तमाम दावे करती है, लेकिन गत दिनों से हो रहे साइलेंसर चोरी से चोर पुलिस की गश्त को भी चुनौती दे रहे हैं। 13 तारीख को रात को हम बात करें 1:23 के आसपास, जैसा सीसीटीवी में हमारे फुटेज में आया है उसके अनुसार दो लड़के पार्क के ऊपर से रेलिंग कूद के आए और इको गाड़ी के पीछे वाले जो साइलेंसर के दो नट होते हैं वो खोला और उसको खींच के तोड़ के और निकल गए। मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हुई, जो कि सीसीटीवी के अंदर पूरा अच्छे से आया हुआ है। और इन लोगों का इतना ज़्यादा है आतंक कि क्या बताएं, 2 दिन पहले भी इसी तरह की एक वारदात और भी हुई थी और सेम नंगलिया में भी इस तरह की एक वारदात और भी हमको सुनने में आई है। इस तरह का गैंग जिस तरह से हमारी फूलबाग थाने में सोलंकी साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से, उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में भी इस तरह का एक गैंग पकड़ा गया है जिनसे लगभग 21 लाख रुपए के इको के ही साइलेंसर पकड़े गए हैं। FIR करवा दी है जिसका अभी FIR होना बाकी है। मैं सोमवार को नरेश जी से मिलने जाऊँगा फूलबाग थाने भिवाड़ी मोड़ थाने में, तो इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी क्लेम के लिए अभी गया नहीं हूँ मैं, क्लेम के लिए भी फॉर्च्यून कार वालों के पास जाऊंगा।